नशा तस्करी के खिलाफ अंबाला पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। नशा बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। वही ताजा मामला शहर के सेक्टर 8 से सामने आया है, जहां अंबाला की एंटी नारकोटिक्स की टीम ने सुमित उर्फ खोंचू नाम के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 15 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। वही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट अंबाला के इंस्पेक्टर सतबीर सिंह राठौड़ ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने कार्रवाई की। सर, ये हमारा हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का विभाग है, जिसके प्रमुख श्री ADGP श्री OP सिंह जी हैं और हमारे पुलिस अधीक्षक हैं श्री शशांक सावन जी और अनिल कुमार जी, और हमारे डीएसपी साहब हैं श्री जगवीर सिंह जी, और इंस्पेक्टर श्री सतवीर सिंह जी के नेतृत्व में हमारी टीम दिन रात यह कार्य कर रही है। हमें एक दोपहर के समय में सूचना प्राप्त हुई हमारे SI मतलब खान जी और फूल सिंह जी और गुरमेल जी और अशोक जी ड्यूटी पे थे, गश्त पे थे, कि शनिदेव मंदिर के नज़दीक कोई व्यक्ति नशीले पदार्थ बेच रहा है। तो हमने रेस्क्यू किया तो उससे 15 इंजेक्शन बरामद हुए और उसके खिलाफ कार्रवाई जो कानूनी बनती थी वो हमने कर दी, मुकदमा दर्ज सेक्टर 9 में कर दिया। और अभी इसने आगे जो नाम बताया है कोई यहीं का लोकली व्यक्ति है, वही सप्लायर है, आगे देखेंगे जो तफ्तीश का विषय होगा वो मेरे द्वारा अमल में लाई जाएगी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ करने में जुटी है। वही अब देखना ये होगा कि पुलिस की जांच में और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। पंजाब केसरी TV के लिए अम्बाला से कृष्ण पाल की रिपोर्ट।